नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्त आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ, और आज स्वरोजगार के खजाने में आपको लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में आपको 150 से अधिक स्वरोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। मैं यहां पहुंचा हूं दोस्त जानकारी जुटाने के लिए भीलवाड़ा राजस्थान में। जगह है एसके इंडस्ट्री, जो लगभग 15 वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है और 150 लघु उद्योग की मशीनों का निर्माण करती है। तो चलिए बारी बारी से हम जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ही आपको प्लांट भी दिखाते हैं कि वाकई ये 150 मशीनों का निर्माण करती है या नहीं करती है, या किस तरह से करते हैं। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्त चलिए आपको दिखाते हैं। और आप सबसे पहले तो भारती मैम से मुखातिब होते हैं। स्वागत है भारती मैम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका सर आपका भी स्वागत है हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्री में। मैडम 150 तरह के लघु उद्योग की मशीनों का आपकी कंपनी निर्माण करती है, तो ये कैसे कर पाती हैं? सर यहाँ पर हर तरीके के मैकेनिक है, वो यहाँ पर मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब हर तरीके का मशीनें मैन्युफैक्चरिंग का हमने यहाँ पर टेक्नीशियन रख रखे हैं। 150 की बात अगर करें तो मिनिमम कितने पैसे की लघु उद्योग की मशीन से आपके यहाँ की शुरुआत होती है और मैक्सिमम कितने पैसे तक जाती है? सर हमारा काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करना। तो हमारे यहाँ जैसे गरीब से गरीब भी, मतलब 5,000 से लेकर 30 लाख तक की मशीन है, मतलब कोई गरीब से गरीब होगा तो भी वो अपना बिजनेस है वो शुरुआत कर सकता है। हर बजट के लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। जी सर बिल्कुल, यहाँ पर हर तरीके की मशीन है, हर तरीके की। कुछ सारे का तो चर्चा पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में, जी सर, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटी एक बता दीजिए। सर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, मतलब जो भी यहाँ पर मशीनें हैं और जो बन रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगी। एक ही वीडियो में सारी मशीनों के बारे में जान पाना वो संभव नहीं है, नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा हम उतना बताएंगे। मैडम शुरुआत करते हैं ये इस मशीन से, तो ये कौन सी मशीन है, ये मशीन क्या करती है? सर ये जो मशीन है सीमेंट ईंट की मशीन है। हमारी कंपनी लगभग हर तरीके की सीमेंट मशीन है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, हर तरीके के यहाँ पर मॉडल मिल जाएंगे। इसमें बहुत तरह के मॉडल आपके यहाँ है, जो भी मॉडल मार्केट में अवेलेबल है उस सारे का निर्माण आप करती हैं? जी और तो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट, वो बोलते हैं कि इस प्रकार से नहीं इस प्रकार के बनने चाहिए, तो वो भी हम बना करके देते हैं। कस्टमाइज मशीन भी बना देती है? जी सर बिल्कुल, जैसा सामने वाला का रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से मशीन बनती है, प्रकार से हम मशीन बना करके तैयार करते हैं। सर ये जो है ये मिक्सर है, अलग अलग प्रकार से जैसे 5 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सीमेंट ईंट के मिक्सर मिल जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आपके यहाँ मिल जाएंगे? जी सर हर तरीके की मिल जाएगी। कीमत की अगर बात करें इस मशीन की, तो कितने कीमत से शुरू हो जाती है? सर अगर सीमेंट ईंट की शुरुआती कीमत की बात करें तो 55,000 से यहाँ पर मशीनें स्टार्ट है। मात्र 55,000 से कोई इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? जी सर बिल्कुल। क्या बात है, बहुत सस्ती मशीन दे रहे हैं मैडम। मैम हमारे सामने ये जो मशीन है परिचित ही मशीन है, हमारे दर्शक भी देखते होंगे, छोटा या बड़ा हर तरह का मॉडल अवेलेबल ही है। तो ये कौन सी मशीन है, इसका भी निर्माण आपकी कंपनी करती है? जी सर ये जो मशीन है ये मिक्सर है, मतलब हर तरीके जैसे कॉन्क्रीट मिक्सर होते हैं, जैसे RCC वगैरह होती है वहाँ पर इन मिक्सरों का उपयोग किया जाता है। मल्टीपर्पज मैडम है? जी सर बिल्कुल। जी सर ये जो है ये रॉ मेटल मिक्स करने के लिए, इसके अंदर रॉ मेटल मिक्स होता है। मैडम ये कौन सी मशीन है? सर ये जो मशीन है ब्रिक्स की ऑटोमेटिक मशीन है, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, इसके अंदर मिक्सर भी साथ में आता है, कन्वेयर की सहायता से रॉ मेटल ऊपर के अंदर जाता है और ब्रिक्स बन करके तैयार होती है। इसमें आदमी की कम से कम जरूरत पड़ती है? जी सर मशीन ऑटोमेटिक है तो इसमें लेबर की कम आवश्यकता लगेगी। और प्रोडक्शन भी ज्यादा देता हूँ? जी सर प्रोडक्शन ज्यादा प्लस मुनाफा ज्यादा, जैसे कोई अगर बड़े स्तर पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा कर सकता है, अगर कोई छोटे स्तर पर करना चाहता है तो मैनुअल के द्वारा, अगर कोई ऊपर करना चाहता है तो मैनुअल, हाइड्रोलिक और सेमी ऑटोमेटिक, मतलब हर तरीके से कर सकता है। तो अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, तो क्या कैपेसिटी इसकी है? सर इसके अंदर प्रोडक्शन की बात करें तो 12,000 से 15,000 घंटे का? नहीं सर दिन का। अच्छा दिन का। हाँ अगर कोई दिन में रात में, मतलब 24 घंटे भी ऑपरेट करता है तो उसका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। और इसके बाद किस मशीन के बारे में बताने वाली है हमारे दर्शकों? सर इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं हर तरीके की मशीनें हैं, जैसे ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मसाला पुलवाइजर है, इसके अंदर हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर सभी प्रकार का जो मसाला होता है वो पिस करके तैयार हो जाता है। बड़ा प्लांट है मैम? जी सर बिल्कुल ये बड़ा प्लांट है। सर इसके अंदर हमारे पास 7 से 8 प्रकार की मशीनें हैं, जैसे मैनुअल हो गई, किसी हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर हो गया, या फिर कोई गरम मसाले पीसना चाहता है तो वो हो गया, मतलब 6 से 7 प्रकार के मॉडल है हमारे पास। सर का निर्माण यही कंपनी करती है, आपकी कंपनी करती है? जी सर बिल्कुल हमारी कंपनी करती है। चलिए अच्छी बात है। मैडम ये कौन सी मशीन है? सर ये जो मशीन है बोरिंग करने की मशीन है, दिन का ये 300 से 400 फीट बोर कर सकती है। एक दिन में 300 से 400 फीट बोर कर सकती है? जी सर बिल्कुल। इसके बाद किस मशीन की बारी है मैडम? सर ये जो मशीन है ये चारा कुट्टी की मशीन है, इस मशीन के द्वारा चारे की जो है वो कुटाई आसानी से हो जाती है, जैसे गांव में खेतों के अंदर चारा जो होता है वो मात्रा वगैरह के लिए लंबा होता है, तो इस मशीन के द्वारा आसानी से कट हो जाता है। ये कौन सी मशीन है मैडम?
सर ये जो मशीन है ये गांव में खेतों के अंदर बाउंड्री के लिए जिन तारों का उपयोग किया जाता है वो ये बनाने की मशीन है। वो जो कटीला जो तार होता है सर, बिल्कुल कटीला तार इसके अंदर बन करके तैयार होता है। देख पा रहे होंगे दोस्त, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें बनाया हुआ भी है। ये जो कांटे वाली जो तार होती है जो खेतों के बाउंड्री में लगाई जाती है जानवरों वगैरह से बचाने के लिए खेत को, तो इसका निर्माण इस मशीन के माध्यम से होता है। उसी तरह के तार का निर्माण इस मशीन के माध्यम से होता है। तो ये मशीन सिर्फ यही तार का निर्माण करती है या और भी कुछ करती है मैम? जी सर, इस मशीन के द्वारा इसी प्रकार के तार का निर्माण होता है। इसके पीछे जो मशीन है ये फेंसिंग तार बनाने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा फेंसिंग तार बन करके तैयार होती है। फेंसिंग तार भी बनती है जैसे जाली वगैरह होती है उसके लिए। जी बिल्कुल मैम। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं और चूँकि हालांकि सबके बारे में तो बताना पॉसिबल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे मशीनों की कोई कमी नहीं है। हर तरह के वैरायटी की मशीनें हैं और हर मशीन के कम से कम तो 10 से 12 मॉडल यहाँ पर उपलब्ध है और सारे का निर्माण यहीं पर होता है। तो जाहिर सी बात है मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको काफ़ी कम पैसे में काफ़ी वाजिब रेट में आपको यहाँ से मशीनें प्राप्त हो जाएंगी। और भी भारती मैम से पूछते हैं कि कौन कौन सी मशीनों का ये निर्माण करती है आपकी कंपनी, तो मैम इसके अलावा बताइए कौन कौन सी मशीन आपके पास है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था हमारे ब्रिक्स के कई प्रकार के मॉडल है। तो इसके अलावा जैसे ये आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंदर ब्रिक्स की जो है जैसे फ्लाइश वाली हो गई वो इस मशीन के द्वारा बनकर के तैयार होती है सीमेंटेड। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक मशीन है और ये वाली जो आप देख रहे हैं मैम शायद ये हेयर रबर बैंड वाले जो कटिंग मशीन है वो है ना ये? जी सर बिल्कुल, इस मशीन के द्वारा हेयर बैंड बन करके तैयार होते हैं। अगर कोई रबर बैंड बनाना चाहता है तो वो भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैडम कितने मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध हैं? इसमें हमारे पास 3 से 4 प्रकार के मॉडल हैं। सर ये जो मशीन है इसके अंदर गैस का सिलेंडर लगता है और कंप्रेसर साथ में दिया जाता है और ये इस प्रकार की मशीन है, साथ मतलब पूरा सेटअप इस प्रकार की बॉल बन करके तैयार होती है इस मशीन से। मैडम ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? सर इसके अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 1000 से 1500 समथिंग, अगर जितनी मैनुअल पावर होगी उस अकॉर्डिंग। अच्छा, जितना जितने दक्षता से आप इसमें काम कर सके उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन रेट भी बढ़ा सकते हैं। जी सर बिल्कुल। आप कौन सी मशीन के बारे में, किस मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? सर ये जो मशीन है पापड़ की मशीन है, इस मशीन के द्वारा जो पापड़ है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। अलग अलग जैसे मूंग के हो गए, उड़द के हो गए, चावल के हो गए, वो बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें साइज भी होता होगा मैडम? साइज डिपेंड अपन पर होती है क्योंकि यहाँ पर मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक बंदे की आवश्यकता रहेगी। जिस भी साइज को बनाना चाहता है वो उस साइज का बना करके तैयार कर सकता है। ये है यहाँ से इसको पुश करना होता है और जैसे भी जिस भी साइज में चाहिए उस साइज में बना करके तैयार कर सकते। किस मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगी भारती मैम? सर ये जो मशीन है ये कैटल फीड मशीन है, पशु आहार वाली ना? जी सर, इसके अंदर पशुओं के लिए आहार बना करके तैयार कर सकते हैं। हर साइज में बनेगा मैडम या डाई लगानी होगी? सर जिस भी साइज में आप बनाना चाहते हैं उस साइज की डाई लगा करके तैयार कर सकते हैं। ये कौन सी मशीन है मैम? सर ये जो मशीन है ब्रश बनाने की मशीन है। इस प्रकार के जो ब्रश होते हैं कपड़े धोने के हो गए, टॉयलेट वाले हो गए, सब प्रकार के ब्रश इस मशीन के द्वारा बन करके तैयार होते हैं। हर तरह के ब्रश का निर्माण इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। जी सर। चलिए अच्छी बात है, और भी देखते हैं भारतीय हमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी मशीनों का ये निर्माण ये कंपनी करती है। और शायद मैडम ये रस्सी बनाने वाली मशीन है? जी सर, इस मशीन के द्वारा रस्सी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जैसे कॉटन की हो गई, नाइलॉन की हो गई और भी जैसे कई प्रकार की रस्सी होती है वो इस मशीन के द्वारा बन करके तैयार होती है। और हर तरह के रस्सी का निर्माण ये करने में सक्षम है ये मशीन? जी सर बिल्कुल। इसके अलावा ये जो आप मशीन देख रहे हैं बेकरी की मशीन है, इस मशीन के द्वारा बेकर्स का जितना भी आइटम होता है जैसे आप केक देख लो या पेस्ट्री वगैरह देख लो, क्रीम रोल देख लो, बिस्किट देख लो, टोस्ट देख लो, वो इस मशीन के द्वारा बना करके तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा मशीन है मैडम, ये कितने में लोगों को उपलब्ध हो जाती है? इसका पूरा सेटअप आता है 3 से 3.5 लाख का। 3 से 3.5 लाख में ये सेटअप हो जाता है? जी सर बिल्कुल। अब किस मशीन के बारे में मैडम हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? सर इस मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ, ये जो मशीन है चूना ट्यूब बनाने की मशीन है, इस मशीन के द्वारा चूने की ट्यूब बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे आप मशीन देख रहे हैं ये जूसी पाउच मशीन है, 4 नोजल जूस मशीन है, इस मशीन के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग फ्लेवर के अंदर जूस बना करके तैयार कर सकते हैं। सर इसके अलावा अगर हम मशीन की बात करें तो पेपर बैग बनाने की मशीन है, जैसे कहीं जगह जो प्लास्टिक की थैली हो गई वो बिल्कुल बैंड हो गई है तो आप कागज का जो बैग है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं ब्रूम झाड़ू बनाने की मशीन है, इस मशीन के द्वारा अलग अलग प्रकार के झाड़ू होते हैं, बड़ी वाली जो मशीन है अंदर डाई चेंज करके खिलौने भी बन जाएंगे, मतलब जैसे प्लास्टिक की टोकरी वगैरह हो गई, हर प्रकार का प्रोडक्ट एक ही मशीन के द्वारा बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मशीन देख रहे हैं ये मिट्टी किट बनाने की मशीन है, कहीं जगह पर सीमेंट किट नहीं चलती है तो वहाँ मिट्टी किट का उपयोग किया जाता है तो वो भी बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मशीनें यहाँ पर है, सबका नाम और सबका इंट्रोडक्शन कराना पॉसिबल है नहीं,
घंटा दो घंटा की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैडम ने बताया कि 150 तरह की मशीनों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो कुछ मशीनों के बारे में तो आपको बताया गया है, विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। और भी कुछ पूछते हैं मैम से, इसके अलावा कौन सी मशीनों का निर्माण यहाँ पर होता है मैडम? सर इसके अलावा जैसे पत्तल धोना मशीन हो गई, या झाड़ू बनाने की मशीन हो गई, मॉप मेकिंग मशीन हो गई, प्लास्टिक आइटम क्रश करने की मशीन हो गई, मतलब हर तरीके की मशीनें यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आपने सुना, हर तरह की मशीनें यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर तो नंबर है ही, डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस भी रहेगा। आप अगर यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर करके जिस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं सारे का आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन मिल जाएगा आपको। तो भारती मैम ने तो अपने तरह से अपने हिसाब से जो बताना था बता दिया, छोटी सी वीडियो होनी चाहिए थी, बड़ी वीडियो अगर लंबी होती तो फिर आप भी उब जाते। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी अपने बजट के अनुसार बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस रहेगा। आप आइए या तो मोबाइल पर भारती मैम से बात कीजिए, या तो फिर यहाँ करके विजिट कीजिए। बहुत सारे एक्सपर्ट है जो आपको बेहतर मार्गदर्शन दे पाएंगे बिजनेस के संबंध में। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह के और भी अपडेट दोस्त जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए।